हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। एक बार फिर मैं आपके साथ हूं 18th एशियन गेम 2018 के पार्ट टू के साथ। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी पेज से भी जुड़ सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन। है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि ये गेम स्टार्ट कहाँ हुआ फर्स्ट टाइम और कब स्टार्ट हुआ। सो दैट वॉज 1951 न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गेम की शुरुआत किसने की और ये होस्ट सिटी क्या था। इस बार की गेम में होस्ट सिटी जो था वो जकार्ता पालेमबैंग इंडोनेशिया था। मोटो सभी जानते हैं एनर्जी ऑफ एशिया। इस बार नेशंस जो इंक्लूड हुए थे, पार्टिसिपेट किए, 45 थे, 45 नेशन एंगेज हुए थे और एथलीट पार्टिसिपेट किए थे 11,720। इवेंट्स लगभग 465 गेम्स में, 40 खेलों में, 40 खेलों में 465 इवेंट्स हुए थे। ओपनिंग सेरेमनी जो था वो 18 अगस्त था और क्लोजिंग 2 सितंबर, ठीक है। और इसके बाद ऑफिशियली ओपन किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो के द्वारा। तो आज के वीडियो में चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2018 में शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है कुरास, ब्रीज, कुरास और ब्रीज दोनों, निम्न में से कोई नहीं। चलो दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की। तो कुरास और ब्रीज ये दोनों जो गेम है पहली बार एशियन गेम में इंक्लूड किया गया है। अगले दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष शॉर्ट पुट थ्रो में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता। आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश, तजिंदर पाल सिंह, अरपिंदर सिंह, सुल्तान अब्दुल मजीद। चलो दोस्तों बात करते हैं इसके उत्तर की। तो सही जवाब जो है तजिंदर पाल सिंह। पिछले वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि आप इमेज रिप्रेजेंट कीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत करके इमेज लेकर आए हैं ताकि आप याद कर लें, समझ लें और देख लें, क्योंकि पिक्चर परसेप्शन एक ऐसा माध्यम है जो कि आपकी मेमोरी में डायरेक्ट हिट करता है और ये याद हो जाएगा। तो तजिंदर पाल सिंह जो है ये राइट आंसर है और इनका इमेज जो है बगल के स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किस खेल में स्वर्ण जीतने वाला प्रथम भारतीय बने। ब्रिज, शॉर्ट पुट थ्रो, जेवेलियन थ्रो, निशानेबाजी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो आंसर जो है वो जेवेलियन थ्रो है और नीरज चोपड़ा जो आपके साइड में दिख रहे हैं इमेज, ये नीरज चोपड़ा ही हैं और स्वर्ण जो गोल्ड मेडल जीते हैं जेवेलियन थ्रो में भाला फेंक में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो है पुरुष ट्रिपल जंप में मोहिंदर सिंह गिल 1970 के बाद स्वर्ण जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। मनजीत सिंह, अरपिंदर सिंह, जिनसन जॉनसन, फवाद मिर्जा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो सही जवाब जो है वो अरपिंदर सिंह है। 1970 के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले ये इंडियन है जो कि अरपिंदर सिंह है। इमेज आप देख सकते हैं 3-2-2 अरपिंदर सिंह अपने तिरंगे के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो और पूरे लास्ट तक देखें। एशियाई खेल 2018 का मस्कट शुभंकर क्या था। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं इजिली। तो सही जो जवाब है वो है भिन्न भिन्न चिड़िया, अटुम, हिरण, काका, गेंडा। ये बगल के पिक्चर में आप देख सकते हैं अगर 720 पे ले जाकर, तो क्लियर दिखेगा आपको ये सारे जो जानवर हैं, जो चिड़िया है आपको क्लियर दिख जाएगा। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी गोविंदन लक्ष्मण जिसने कांस्य पदक छीन लिया गया किस खेल से संबंधित है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, शूटिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो एथलेटिक्स जो है ये
सही जवाब है। अब आप बोलेंगे कि इनको छीन क्यों लिया गया इनसे जो ब्रॉन्ज मेडल है, तो दरअसल इनके ट्रैक से बाहर जाने की वजह से, जो ट्रैक बना होता है रनर को दौड़ने के लिए, तो ये बाहर चले गए थे अपने ट्रैक से, इसलिए इनसे जो मेडल है वो भी हाथ से बाहर चला गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एशियाई खेल 2018 में पुरुष 800 मीटर रेस का स्वर्ण किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है जिनसन जॉनसन, मनजीत सिंह, गोविंदन लक्ष्मण, मोहम्मद अनस याहिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो जो सही जवाब है वो मनजीत सिंह है, तिरंगे के साथ स्माइलफुल वे में आपकी स्क्रीन के सामने। और इसी खेल में, इसी स्पर्धा में जिनसन जॉनसन को सिल्वर मेडल मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय महिला हेप्थलेन में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? स्वप्ना बर्मन, सुधा सिंह, नीना वर्कल, दीपा कर्माकर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की। तो जो सही जवाब है वो सपना वर्मन है, तिरंगे के साथ फिर से स्क्रीन पर आपके सामने। और सुधा सिंह जो है ये स्टेपल चेस में इनको सिल्वर मिला है, और थर्ड ऑप्शन नीना वर्कर ये लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन क्या जीता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशियाई खेल 2018 में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान। चल दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो जो सही जवाब है ईरान। पिछले वीडियो में भारत को हराकर सेमीफाइनल में ईरान ने जीता था, और फिर फाइनल में भी यह जीत के अपना जो रुतबा था वो कायम रखा। तो ईरान जो है इसका सही जवाब है। चलते दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारतीय महिलाओं ने किस खेल स्पर्धा में लगातार पांचवी बार स्वर्ण जीता? तीरंदाजी, निशानेबाजी, 4x400 मीटर रिले, 4x200 मीटर रिले। चलो दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की। तो जो सही जवाब है तो वो है 4x400 मीटर रिले। इस गेम में बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो इस गेम में जो प्लेयर्स हैं वो वन राउंड पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड में जो रिले होता है जो हाथ में होता है वो दूसरे प्लेयर को दिया जाता है, वो फिर रन करते हैं, और इस तरीके से 400 मीटर कंप्लीट किया जाता है। तो लगातार पांचवी बार गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय महिलाओं के द्वारा जीता गया है। इस वीडियो में इतना ही, आपका प्यार पिछले वीडियो में भी मिला, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज। तो आज तक लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।